In the meanwhile and until the next date of hearing, the ongoing projects of the government of Balochistan shall be implemented in accordance with faisla. क्योंकि इसमें जिसमें ये जो पीएसडीपी में जितनी स्कीमात वहां पर ये असेंबली में ये लाए जिसकी मंजूरी ये लेना चाहते थे, हमने इसीलिए कहा कि पहले ऑथराइजेशन उन इसकी गुम पे काम नहीं हुआ और अदालत के आलिया के इस फैसले के अदालत तमाम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की इसके वजीर आला और इसके कैबिनेट के फैसलों ये इसलिए ये सारा जो एहतजाज था सब चले गए। इस सूबे की अहलियत का अंदाजा, इस सूबे के इदारों की अहलियत का अंदाजा मैं हुकूमत को, मैं मौकों में बड़े अच्छे काबिल अफसरान, लेकिन जब सब किसी एक पैराग्राफ में इसकी ये उनकी बजट तकरीर है, ये 2020 हमने क्यों कहा कि इस तरह जल्दबाजी नहीं करें। आप इतना बड़ा वॉल्यूम्स ले आते हैं, यहां पर उस दिन आपने देखा होगा ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़े आम के डब्बे आए हों, लेकिन वो सारा बजट था, या 2-3 आम के डब्बों को एक जितना कर दो उससे भी बड़े इधर बजट के डब्बे पड़े थे, तो नहीं देखे। बाद में भी हमने देखे थे किताबों से अंदर अवाम की तरक्याती अमल के हवाले से बहुत बढ़िया खराबी थी। अंदाजा करें अगर ये बजट भी इसी तरह उन्होंने 2020 का भी इसी तरह उन्होंने पास किया और ये डॉक्यूमेंट इस असेंबली से अप्रूव हुआ है, ये इस असेंबली की तस्दीक नहीं है कि 2020 की उनकी बजट स्पीच जिसका पेज नंबर 5 रिकॉर्ड पे रखते हैं, जिसमें जनाबे वाला वो कहते हैं कि 401 और 357 उसके बजाय वो लिखते हैं 380 और 419 लिखते हैं, 401 और 357 यानी 40 से 50 अरब रुपए की सिर्फ खामी उन्होंने उस पहले बजट की उनकी स्पीच के पहले 5 से 6 सफात में। ये उनका व्हाइट पेपर है जिस तक उन्होंने इस दफा शाया किया। इस व्हाइट पेपर के आप जाएं सफा नंबर 38 पर, ये सफा नंबर 38 पेज 38 38 में दिया हुआ है सेक्टोरल एलोकेशन। वसाइल से महरूमी, तालीम से महरूमी, ना उम्मीदी, ये सबसे बड़े जनाबे वाला किसी भी माशरे में अनारकी, वहशत, दहशत और तखरीबी पैदा करने के जराए होते और ये कर रहे हैं। कोई एक ऐसा प्रोग्राम बताएं जो ये एक नौजवान अट्रैक्ट होके आपके 550 अरब रुपए के बिलियन के प्रोजेक्ट से अट्रैक्ट होके वो आपके लिए यहाँ शादियां ने बजाएं। सोशल मीडिया आप देखते हैं, बाकी तो कोई और हमारे पास गैलप सर्वे है ही नहीं। आप जाएं बलूचिस्तान के लोगों का रद्देमल आपके सामने है। इसमें 48% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 27-28% इन्होंने रखा हुआ है सोशल सेक्टर इमर्जिंग बलूचिस्तान का नहीं। बलूचिस्तान इज कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग एंड सबमर्जिंग। अब कितना बलूचिस्तान में अखबार एहतान दोबारा ज्यादा हुए, बदमनी के वाकयात इस 6 महीने में, फिर शर्म से मेरी आंखें झुक जाएंगी। 3 साल में SDGs की कमेटी का जिसमें 30 से ज्यादा मेंबरान है, मैं उसमें शामिल नहीं। 30 मेंबरान में से शायद 28 मेंबरान को यह भी पता ना हो कि SDGs की कमेटी क्या। SDGs की कमेटी की एक मीटिंग नहीं। सूबाई हुकूमत अपने पहले वाले PSDPs के प्रीफेस में अब फिर भी नहीं लाए होंगे। आप हुकूमत वाले हैं, हम अपोजिशन वालों को थोड़ी बहुत इस तरह की जरूरत पड़ती है, हम अपने साथ ले आते हैं। हर साल 3000 औरतें मुझ जैसे आप जैसे बच्चे जन्म देते वक्त मर जाते हैं। अगर वो माए बच जाए, बच्चे बच जाए, वो कादिर नायब सनाम बलोच, अख्तर हुसैन लांगव, नसुल्ला ज़ेर मलिक सिकंदर बन सकते हैं। और बलोचिस्तान पाल रोड था 1 अरब रुपए का, उसको निकाल दिया। कुछ अजला को 3 सालों में 30-500 एकड़ पर मबनी इंडस्ट्रियल जोन बनता, 1 अरब रुपए भी बेला के इंसानों पर, ह्यूमन रिसोर्स पर खर्च करेंगे, मैं अगला बजट खारान के लिए 1 रुपया नहीं मांगूंगा। ये बात पे मैं भी स्टैंड करता हूँ, लेकिन बेला को जो पैसे दिए गए हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर बलोचिस्तान में ये जो सारे वसाइल की तकसीम की, ये अदालती तौर पर भी चैलेंज होंगे। मैं आखिर में सिर्फ इनको बता देना चाहता हूँ, अगर ये तकरीर वो सुन भी रहे होंगे, अरबाब इख्तियार उनके सुन रहे होंगे, मोहकमे के अफसरान साहबान सुन रहे होंगे, ये बात उन तक पहुंचा दे, ये वो असेंबली नहीं है जिसमें आप लोगों को अंधा बहरावाम के एहतराम को जो है टेस पहुंचा रहे हैं, बलूचिस्तान के अवाम के फैसले को टेस पहुंचा रहे हैं। और ऐसे लोगों माशरे के मुस्तरद शुदा अफराद को PSDP में पैसे रखो ताकि वो अपनी बात जहां पर भी जितने शहरी हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत हम कहते हैं सूबों को यकसा तकसीम हो, हमें रकबे की बुनियाद पर दिया जाए, गुर्बत की बुनियाद पर दिया जाता है। लड़ लड़के बलूचिस्तान के लिए पैसे लाते हैं, इधर जो है जिसका वास्कुट सबसे अच्छा है वो अपने लिए सबसे ज्यादा पैसे डाल देता है।
किसका भरोसा चलेगा? जो आदमी पोजीशन में है आपके इलाके के, मेरा डिपार्टमेंटल स्कीम 20 से 22 करोड़ रुपए खारान बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ शहर है वाटर सप्लाई का, वो डिपार्टमेंटल स्कीम निकाल, मतलब हमारे मर्जी से मंशा से न डालें, जो डिपार्टमेंट ने प्रपोज किए कम से कम वो स्कीम तो इसमें रहने देते। आपकी तवज्जो जनाब चेयरमैन, ये मैंने अपने दोस्तों से वैसे सलाह नहीं किया है, वो अगर मेरी बात से डेफर करें इनकार करें, बलूचिस्तान में 300-400 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे, पॉलीटेक्निक्स बनाएंगे, ये हमारे मंशूर का हिस्सा था, गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, यतीमों के लिए सोशल वेलफेयर का एक सोशल सिक्योरिटी नेट डालेंगे, बनाएंगे। बलूचिस्तान के नौजवान मायूसी का शिकार है, बेरोजगारी का शिकार है, हम उनके लिए स्पेशल पेपरदार बने हुए हैं, इनको धोया जा सकता है जनाबे वाला, अभी भी वक्त नहीं किया, अभी भी वक्त है। इस पीएचडीपी को अगर अदालत खुदा करे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर उठा लूटी हुई रकम भी इस तरीके से गलत तरीके से तकसीम नहीं करता जितना आपने बलूचिस्तान के लोगों के बहे हुए खून की रकम, ये जो पैसा एनएफसी से आज मिला है ये बलूचिस्तान के अवाम की कुर्बानियों, जेल जद्द पर यह किया कि हम अभी भी तैयार हैं इस पे आपको रहनुमाई करने के लिए। लेकिन अगर आपने ये वाली बात आज के इस रिक्वेस्ट इजलास के तवसुत से मुस्तरद कर दिया, हम 14 दिन जेल में खुशी जो खुशी से बलूचिस्तान की माल को जो है खुशी रे माहिर, हम इंशाल्लाह। तो थैंक यू वेरी मच जनाब चेयरमैन, आपका मशकूर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया जी जाविद रेखी साहब।